अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। चार लैब्स हम कर चुके हैं, हमारी सीरीज़ जारी है, लैब फिफ्थ में हम आ गए हैं। और उसमें हम जो आज स्टडी करेंगे, हम बेसिकली नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं उनको देखेंगे, जिसमें रिपीटर है, हब है, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, गेट वे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। इनकी पिक्चर्स भी आपको दी हुई हैं, आसानी है, मैंने कराना तो कुछ नहीं है, जस्ट जो अहम अहम चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। रिपीटर के लिए ये है कि वो फिजिकल लेयर पर काम कर रहा होता है, ठीक है जी। और रिपीटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो सिग्नल को रिसीव करती है और उसे रिट्रांसमिट कर देती है, ठीक है, एट अ हायर लेवल, हायर पावर। उसमें पावर डाल के ना, जान डाल के उसको जो है ना वो आगे जो है ना भेज देती है, ठीक है। रिपीटर का काम ये है। तो इसकी दो पोर्ट्स होती हैं, तो इसलिए दो से ज़्यादा जो है ना सिस्टम इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते। रिपीटर के बाद आती है बारी हब की, ठीक है। इथरनेट हब इस पर कहते हैं, इसे भी कहते हैं हम एक्टिव हब भी कहते हैं, नेटवर्क हब भी कहते हैं, ठीक है, रिपीटर हब भी कहते हैं, हब भी कहते हैं और कॉन्सेंट्रेटर भी कहते हैं इसको, कौन से कॉन्सेंट्रेटर। ओके जी, ये कौन सी डिवाइस है? ये ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जो जो फिजिकल लेयर वन ओएसआई मेडिकल फिजिकल लेयर जो है ओएसआई मॉडल की, उसकी फिजिकल लेयर वन पे ये काम करती है, ठीक है। और इसके इसमें काफ़ी मल्टीपोर्ट्स इसमें इसके अंदर जो है ना वो अवेलेबल होती है, जैसे कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। और जब कोलिजन डिटेक्शन की इसमें क्वालिटी है, कोलिजन को डिटेक्ट कर लेती है, और जैसे ही कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है दो सिग्नल्स का आपस में जब हादसा हो जाता है, तो ये तमाम जो पोर्ट्स होती हैं उस पर एक सिग्नल, जैम सिग्नल भेज देता है कि भाई अभी फिलहाल रुक जाओ, अभी जो है ना कोलिजन हो गया है, पहले हमें वो कोलिजन जो है ना सफाई वगैरह करने दो, रोड खाली होने दो, उसके बाद आपने ट्रैफिक भेजनी है। तो हब जो है ना ये काम करते हैं। उसके बाद आ गया स्विच, तो ये भी नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, और ये डेटा लिंक लेयर, लेयर टू ऑफ ओएसआई मॉडल पे ये काम करता है। बस ये अहम चीज़ें आपने याद रखनी है, बाकी इसकी आप डिटेल देख लीजिएगा। अब आगे अहम चीज़ ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? एक नेटवर्क ब्रिज जो होता है ना, ठीक है, वो मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स को डेटा लिंक लेयर, लेयर टू जो है डेटा लिंक लेयर टू ओएसआई मॉडल की, उसमें एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ब्रिज जो है उसमें ऐसी क्या खास बात है? दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना ब्रिज और स्विच के, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। एक स्विच जो है बीइंग अ ब्रिज विद न्यूमरस पोर्ट्स, ठीक है, एक स्विच जो है बीइंग अ ब्रिज, वो एक ब्रिज बन सकता है काफ़ी ज़्यादा अगर उसके अंदर पोर्ट्स आ जाएं, ठीक है। और स्विच स्विच और लेयर टू स्विच इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद ब्रिज। तो लेयर टू का जो स्विच होता है वो ब्रिज की जगह भी चल जाता है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है जी। ब्रिज का काम क्या होता है? ये जो इनकमिंग डेटा पैकेट्स होते हैं ना किसी भी होस्ट से अगर आ रहे हो, तो उन्हें डिटरमिन करता है, उन्हें उन्हें पहले उन्हें जांचता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जिस पैकेट को या जिस मैसेज को जिस होस्ट तक जाना है ना, तो वो उस तक पहुँचा देता है। अगर वो किसी और सेगमेंट पर है तो फिर उसी और सेगमेंट पर भेज देता है, ठीक है जी। यानी यहाँ पे पिक्चर में देखें दो सेगमेंट हैं, ब्रिज जो है दो सेगमेंट्स को देख रहे हैं, एक अपर ये सेगमेंट नज़र आ रहा है आपको, एक लोअर। अगर ये चीज़ इसको पैगाम भेजेगी ना, तो ब्रिज ही बताएगा चेक करके कि ये पैगाम जो है ना वो पहले चेक करेगा कि इन दोनों के लिए तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो फिर ऊपर वाली जो सेगमेंट है उस पर भिजवा देगा। ओके हो गया जी। उसके बाद आ गया राउटर। राउटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं ना उनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट पे जाने के लिए, इंटरनेट क्या है बेसिकली? इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है। यानी अगर एक नेटवर्क हमारा, फर्ज करें मेरे घर में एक नेटवर्क लगा हुआ है और एक नेटवर्क दूसरी बिल्डिंग में मेरे दोस्त के घर में लगा हुआ है, ठीक है, अब हम दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे? राउटर के जरिए। मेरा अपना राउटर होगा, उसका अपना राउटर होगा, और उन दो राउटर्स के जरिए जो है ना हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो राउटर बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर रहा है, और राउटर्स ही की मदद से जो है ना हम बहुत बहुत बड़े जो है ना इंटर कनेक्टेड नेटवर्क्स बनाते हैं, और ये इंटरनेट भी जो है ना बेसिकली ये नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, ठीक है। ओके, आगे आ गया गेटवे। ओके, गेटवे इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क में गेटवे का क्या काम होता है? ए नेटवर्क नोड प्रिपेयर्ड फॉर इंटरफेसिंग विद अनदर नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। यानी गेटवे का काम ये है, अब मिसाल की ये डिवाइस ऐसी है कि अगर हम कोई ऐसा इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं और हम किसी, यानी मेरे घर में एक नेटवर्क है, मैं कोई और इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे दोस्त के घर में एक नेटवर्क है, वो कोई और नेटवर्क इंटरफेस यूज़ कर रहा है, यानी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, यानी मैं IPv4 यूज़ कर रहा हूँ, वो IPv6 यूज़ कर रहा है,
ये वर्जन है आईपी के ना, अगर मैं आईपी वर्जन 4 यूज कर रहा हूँ, मेरा दोस्त आईपी वर्जन 6 यूज कर रहे हैं, तो हम गेटवे के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो गेटवे का काम क्या होता है, गेटवे दरमियान में एज ए ट्रांसलेटर के तौर पे काम करता है, तो वो IPv6 को IPv4 में कन्वर्ट करके मुझ तक पैगाम पहुंचाएगा, और मेरा जो पैगाम IPv4 का है वो IPv6 में कन्वर्ट करके मेरे दोस्त तक पहुंचा दे। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका काम है, इसकी डिटेल भी आपने देख लेनी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये हमारी लैब 5 थी, जस्ट इसमें करने का कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ने वाला ही था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा जो है ना एक राउंड अप लगा लेते हैं। तो अब लैब 6 में मिलते हैं, देखते हैं लैब 6 में क्या है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।